भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय बाला मावजी, जय जय बेणेश्वर धाम। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी श्री अर्जुन लाल जी मीणा, श्रीमान शंकर निरामा, श्रीमान हर्षवर्धन सिंह जी डूंगरपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान चुन्नीलाल गरासिया जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भाई धनराज शर्मा जी, बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष भाई मनोहर लाल जी त्रिवेदी, डूंगरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमान के गुप्ता, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष श्रीमान बेल जी पाटीदार जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और जनता की सेवा को समर्पित धरियाबाद से श्रीमान गौतम लाल मीणा। गौतम लाल जी यहां जाइए। 84 से श्री सुशील कटारा, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, सागवाड़ा से शंकरलाल डेचा, खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, डूंगरपुर से माधवलाल बरहात, बागीदौरा से खेमराज गरासिया, आसपुर से गोपीचंद मीणा, बांसवाड़ा से हकरू मैड़ा, गढ़ी से कैलाश मीणा, कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर, गाटोल से हरेंद्र निनामा, आप सब दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, भारत मां की जय बोल करके मेरे इन सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन करता है कि आज भाषण के पहले ही एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? और बुरे मान जाओगे तो पक्का भरोसा करूं आप पे? आपको बुरा लगेगा, मेरी शिकायत बड़ी जोरदार है। करूं शिकायत? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि 2013-14 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री बनाना घोषित कर दिया था, मैं खुद मेरे लिए वोट मांगने जाता था, उस समय भी आपके बीच आया था, लेकिन उस समय इससे आधे लोग भी नहीं आए थे। और आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, मैं देखा ये जितनी पुलिया हैं, जितने रास्ते हैं,
लोग चले आ रहे हैं, मैं इधर भी देख रहा हूं लोग चले आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसी गर्मी में और साथ में चुनाव की गर्मी, इतनी बड़ी तादाद में और विशेष करके बहने, आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बांसवाड़ा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब बांसवाड़ा आते हैं तो हम गुजरात के लोगों तो ऐसा ही लगता है जैसे हम अपने घर गए हैं। केम छो इतना अपनापन, इतना प्यार, इतनी निकटता, और मैं आज कहना चाहूंगा, दिल खोल करके कहना चाहूंगा, आप जो प्यार दे रहे हैं ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं भाइयों। भाइयों बहनों, सोम, माही और जाखम के संगर पर स्थित बागड़ के प्रयाग और आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर धाम को मेरा कोटि कोटि नमन। माता त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से जीवंत हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जन जन को भी मेरा प्रणाम। बागड़ की धरती भारतीयों के उस सौ गौरवपूर्ण शौर्य की प्रेरणा स्थली है जिसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ऊंच नीच के भाव से ऊपर उठ करके लड़ने की प्रेरणा दी। महाराणा प्रताप ने कैसे अत्याचारियों को नाको चने दबा दिए, बागड़ की ये धरती उस असीम शौर्य की साक्षी है। भाइयों बहनों, जब मैं बांसवाड़ा आता हूं, जब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच आता हूं, तब अमर शहीद बालिका कालीबाई को भी सर झुका करके नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात था तो अक्सर मुझे मानघट आने का सौभाग्य मिलता था, और आपके यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग मानगढ़ आते थे, मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी मात्रा में मानगढ़ लोग आते थे। लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार न बनी, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पुरानी सरकारों ने भुला दिया था मानगढ़ कहां है, क्या है, गोविंद गुरु कौन थे, जलियांवाला बाग से भी भयंकर कांड जहां हुआ था, और अनेक मेरे आदिवासी भाई जो आजादी का जंग लड़ रहे थे, गोविंद गुरु ने उनका नेतृत्व किया था। हम लोग जब आए तो हमने वहां स्मारक बनाया, और हर साल गोविंद गुरु के सम्मान में वहां मेला लगता है भाइयों बहनों। और मैं गुजरात में था तो अक्सर वहां आया करता था, आप में से सबसे मुझे मिलने का मौका मिलता था। भाइयों बहनों, ऐसे देश के लिए जीने मरने वाले महापुरुषों को भी मैं आज अपने श्रद्धा सुमन देता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जवाब देंगे ना? आधे लोग तो बोलते ही नहीं है, जवाब देंगे क्या? पक्का?
धक्का देंगे। मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? है। देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासियों ने बलिदान दिया कि नहीं दिया? देश की प्रगति में आदिवासियों ने योगदान दिया कि नहीं दिया? देश की आजादी दिलवाने में आदिवासी आगे थे कि नहीं थे? थे ना? आप मुझे बताइए, ये आपको पता है, मुझे पता है, इतिहास को पता है, कांग्रेस को पता नहीं है। आजादी के इतने सालों तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक कांग्रेस को कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। आदिवासी मांग करते थे कि हमारे लिए अलग मंत्रालय हो, अलग मंत्री हो, अलग बजट हो, हमारे विकास के लिए योजनाएं बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की कोई परवाह नहीं थी। उनके 5-50 ठेकेदारों को लेकर के बैठ जाते थे और वोट बटोर करके अपनी सरकारें चलाते थे, आदिवासियों के लिए मांग को कभी पूरा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आजादी के इतने सालों के बाद, पहली बार अटल जी ने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, आदिवासी मंत्री बनाया, आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया, और तब से लेकर के ये आदिवासियों के विकास की गाथा शुरू हुई। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आदिवासियों को याद भी नहीं करती थी, ऐसी कांग्रेस को कभी आप घुसने देंगे क्या? घुसने देंगे क्या? आप याद रखिए, उन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की है, आपकी चिंता नहीं की है। भाइयों बहनों, भारत की विकास यात्रा में आदिवासियों का भूतपूर्व योगदान है। समाज के दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ओबीसी समाज के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, हर किसी ने देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन आजादी के बाद जितनी तेजी से उनका कल्याण होना चाहिए था, समय सीमा में उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, ये करने की फुर्सत कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली। वो सरकार बनाते थे चुनाव जीतने के शतरंज बिछाने के लिए, और फिर चुनाव लड़ते थे, फिर सरकार बनाते थे, फिर शतरंज बिछाते रहते थे। उनको जनता जनार्दन की भलाई की उनके टाइम टेबल में था ही नहीं, उनकी योजना में था ही नहीं। चुनाव के पहले घोषणाएं करना, वादे करना और फिर बुला देना, यही उनका कारोबार रहा था। मेरे भाइयों बहनों, हम इस देश के हर नागरिक को सशक्त करना चाहते हैं, हम इस देश के नागरिक को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, मेरे आदिवासी भाइयों को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा रास्ता साफ है। हमारा मंत्र है, बेटे बेटियों की पढ़ाई, युवा को कमाई, किसान को सिंचाई, बुजुर्गों को दवाई और जन जन की सुनवाई। पढ़ाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, दवाई हो, जन जन की सुनवाई हो, इस काम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, ताकि हमारा समाज
सशक्त बने, हमारे समाज में विकास की नई योजनाएं बने। भाइयों बहनों, हम जानते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी संकट राजस्थान और गुजरात दो राज्य हम लोग हमेशा अकाल से पीड़ित, पानी का कष्ट, पानी के बिना गुजारा कैसे करना, ये चिंता का विषय है। मैं वसुंधरा राजे जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक महिला के नाते पानी जब नहीं होए उसकी सबसे ज्यादा परेशानी घर में माताओं बहनों को होती है, सबसे बड़ी तकलीफ उनको होती है और मीलों तक जाकर के उनको पानी लेकर के आना पड़ता है। और ये दुख एक महिला मुख्यमंत्री जितना समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता। वसुंधरा जी ने इस बात को समझा और राजस्थान में 5 वर्ष में वर्षा का बूंद बूंद पानी बचाने के लिए 4 लाख अलग अलग सुविधाएं खड़ी करने का उन्होंने भगीरथ काम किया है और यह काम आगे भी जारी रहा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे गुजरात में पानी की समस्या का समाधान हुआ, राजस्थान में भी पानी की समस्या का समाधान, ये पानी वाली ताकत जिसमें है ऐसी वसुंधरा राजे कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के मंत्र को लेकर के आगे हमें चलना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने देश आजाद हुआ उस समय के जो आपके बुजुर्ग जिंदा हो गए तो उन्होंने सुना होगा कि देश आजाद हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आजाद हो जाएगा तो वो हो जाएगा। पुराने जितने 80-90 साल की उम्र के लोग होंगे उनको पूछोगे तो वो बताएंगे। लेकिन आजादी के बाद इतने साल कांग्रेस का राज रहा, दिल्ली में 4-4 पीढ़ी एक ही परिवार ने राज किया, पचपन 60 साल तक एक ही पार्टी का इस देश में दबदबा रहा, गली से लेकर के दिल्ली तक और पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। आप मुझे बताइए, क्या इतने सालों में आप लोगों ने जो जिंदगी गुजारी, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के राज में आपको बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, अंधेरे में गुजारा करना पड़ता था, सच है कि नहीं है? आपको दिया जला करके ही जीना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? आपको पानी के लिए मीलों तक जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? आपको शौचालय के लिए सुबह सूरज उगने से पहले अंधेरे में घर के बाहर जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? दिन भर में कभी जाने का परिस्थिति पैदा हो तो शाम को सूरज ढलने तक इंतजार करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? शौचालय का नामो निशान था क्या? गांव के रास्ते थे क्या? बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, आप लोगों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि नहीं गुजारी है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सारी मुसीबत का कारण ये 50-60 साल तक जो कांग्रेस ने राज किया ना, उसके कारण है। क्या फिर से ऐसी मुसीबतें आप चाहते हो? फिर से ऐसी मुसीबतें चाहते हो? आपके बच्चों को फिर से ऐसा राजस्थान, ऐसा बांसवाड़ा देना चाहते हो? आपके बच्चों को उससे बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? अकेली भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है दिल्ली में मोदी की ताकत और राजस्थान में भाजपा की ताकत मिलकर के निकाल सकती है। आप मुझे बताइए, आजादी के इतने साल के बाद मेरे आदिवासी भाई हो, मेरे समाज के गरीब लोग हो,
किसी भी समाज का हो, ब्राह्मण का भी गरीब बेटा हो, बनिए का भी गरीब बेटा हो, पाटीदार का भी गरीब बेटा हो, लेकिन रहने को घर नहीं है। आदिवासी को अगर रहने को घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, उसको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पूरी ताकत से बताओ तो मुझे काम करने का मजा आएगा। घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस वालों ने किया था। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी चार दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो चुनाव आता है तो सब नेता बोलते हैं, मोदी भी बोलता होगा। देखिए, ये कांग्रेस वालों ने जो आबरू बनाई है ना, हमारी आबरू वैसे नहीं है। वो तो वादे करते हैं। आपके यहां आकर के कहा था ना कि हम मोबाइल फोन मेड इन डूंगरपुर, कहा था कि नहीं कहा था? मेड इन डूंगरपुर मोबाइल फोन, ऐसा कांग्रेस के नामदार ने कहा था? कहा था। अभी चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान का निकला है, घोषणा पत्र निकला है। क्या उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहीं लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेड इन डूंगरपुर मोबाइल फोन यहां बनेगा, ऐसा लिखा है क्या? लिखा है क्या? जिसके नामदार जैसे नेता की राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती है, उसको आपने सीरियस लेना चाहिए क्या? उसकी पार्टी उनको गिनती नहीं है, बताओ। उन्होंने इतना बोला, उनके मैनिफेस्टो में तक नहीं लिखा है। और मजा देखिए कैसा जादूगर है ये, फटी जेब में से मोबाइल निकालता है और मेड इन इंडिया मोबाइल फोन दिखाता है और कहता है मेड इन डूंगरपुर निकालूंगा। इस नामदार को इतना ज्ञान नहीं है एनसीसी क्या होती है, इन नामदार को ये ज्ञान नहीं है घोषणा पत्र क्या होता है, इस नामदार को यह ज्ञान नहीं है कि मैं कैलाश मानसरोवर जाकर के आया लेकिन कैलाश मानसरोवर होता क्या है, इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि इस देश में जब उनकी सरकार थी, मैडम की सरकार थी, मैडम सोनिया जी की, दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी। जब मैडम सोनिया जी की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल से देश चलाती थी, तब हिंदुस्तान में मोबाइल फैक्ट्रियां, मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी पता है आपको? कितनी थी? 4।
कितनी जरा आप बोलिए तो याद रहेगा, कितनी? कांग्रेस के जमाने में मैडम की सरकार थी तब देश में मोबाइल फोन बनाने की कंपनियां कितनी थी? आज 125 है, 125। आज कितनी है बताइए, नामदार के वादे सही कि हमारे वादे सही? भाइयों बहनों, हम वादा करते हैं लेकिन आपको हिसाब भी देते हैं कि हम कैसे काम पूरा करेंगे। हमें अभी तो 4 साल मिला है काम करने का, उनको 4 पीढ़ी ने काम किया, मोदी को 4 साल मिला है। उनकी 4 पीढ़ी से ये मोदी ने 4 साल में अनेक गुना ज्यादा काम कर दिया है। जब मैंने ठान ली है कि मुझे हर परिवार को घर देना है तो सिर्फ बातें नहीं है, अब तक 1 करोड़ 25 लाख, भाइयों बहनों, 1 करोड़ 25 लाख मतलब 1.25 करोड़, इतने घर बन गए, उनको चाबी दे दी, ये दिवाली उन्होंने उस घर में मनाई। भाइयों बहनों, राजस्थान में 7 लाख घर की चाबी दे दी गई है और ये हमारे बांसवाड़ा में 1 लाख गरीबों के घर की चाबी दे जा चुकी है। इतना काम कर दिया है लेकिन ये हमारे लिए तो संतोष नहीं होता है। हम तो कहते हैं अभी भी रुकेंगे नहीं, चुनाव जीत जाएंगे तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि देश की आजादी के 75 साल होना है, तब तक मुझे एक भी परिवार बिना घर रहने नहीं देना है। आपको पक्का घर होगा, आपको पक्का घर मिल गया होगा, हो सकता है आपके पिताजी के जमाने से आपके पास पक्का घर होगा, लेकिन आपको पता है आपके एक वोट की ताकत क्या है? पता है? हम किसी को भी गरीब को कोई पुण्यदान करे तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? किसी गरीब के भूखा व्यक्ति को खाना खिलाए तो संतोष होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपके एक वोट की ताकत क्या है मालूम है? आप एक वोट दोगे, आपके वोट से भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन उससे राजस्थान के हर गरीब का घर बनने वाला है। आपका वोट सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं, राजस्थान के हर परिवार का पक्का घर बनाने वाला वोट है। और इसलिए ये वोट अगर आपके दिल में देश के गरीबों के प्रति प्यार है, हमदर्दी है, उनको भी पक्का घर मिले ऐसी इच्छा है, तो मेरा आग्रह है ये पुण्य का काम है, एक वोट से गरीब का घर बन जाए, गरीब सुख चैन की जिंदगी जी ले, ये पुण्य का काम कौन छोड़ेगा? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमारे वागड़ क्षेत्र में जब मैं उदयपुर आया था कुछ समय पहले, आपको याद होगा 15,000 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं मैं घोषित करके गया था, और घोषित करके गया ऐसा नहीं, वसुंधरा जी ने उसको जमीन पर उतारने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। आपका वोट फिर से उस काम को पूरा करने की मुझे ताकत देगा, इसलिए मुझे आपके वोट की जरूरत है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने हमारे राज्य में 8 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी है। मुझे बताइए क्या यहां हमारे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपका सपना है कि नहीं आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, आपकी बेटी डॉक्टर बने, आप चाहते कि नहीं चाहते हैं? आपका बेटा डॉक्टर बने, चाहते कि नहीं चाहते हैं? आपका एक वोट आपका बेटे को डॉक्टर बना सकता है, आपकी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, आपका वोट
बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बना सकता है और मेडिकल कॉलेज बनने से बांसवाड़ा के बच्चों का नया भविष्य शुरू हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं भाइयों बहनों, आपके वोट की ताकत समझिए। सिर्फ किसी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, आपके वोट से आपके गांव में सड़क आने वाली है, आपके वोट से आपके घर में बिजली आने वाली है, आपके वोट से आपके बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, आपके वोट से आपके इलाके में मेडिकल का कॉलेज आने वाला है, आपके वोट से आपके गरीब परिवार में गैस का कनेक्शन जाने वाला है, आपके वोट से आपके गरीब के गांव तक बस का व्यवहार होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं वोट आपके लिए मांगने आया हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मांगने आया हूं, आपको मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये किसानों के नाम पर इतने गबगोले चला रहे, इतने गबगोले चला रहे हैं जी। अरे इस देश के पहला प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते ना, तो ऐसी गलत नीतियों वाली सरकार न बनती, देश का किसान कभी मुसीबत में नहीं आता। अरे देश का किसान कर्ज वाला नहीं बनता, देश का किसान औरों को धन देने वाला बन सकता था सरदार साहब जैसा विजन होता तो। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस के ऐसे नेता आए कि जिनको ये तक पता नहीं है कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। ये नामदार किसान किसान बोल रहे हैं ना, जरा उनको सामने चार पांच पौधे रख दो और बता दीजिए, नाम बता दो क्या है। मूंग और चने में जिनको फर्क नहीं है वो किसान की बातें कर रहे हैं? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या आप? और इसलिए भाइयों बहनों, एमएसपी कांग्रेस के जमाने में किसानों की मांग थी कि लागत का डेढ़ गुना पैसा मिलना चाहिए, ये कांग्रेस वालों ने नहीं सुना। अगर मैडम की सरकार ने बात सुन ली होती, स्वामीनाथन कमीशन को स्वीकार कर लिया होता, तो आज मेरे किसान पर कोई मुसीबत न होती। लेकिन उन्होंने नहीं किया, हमने आकर के कर दिया। और किसान को जितनी लागत है इसका डेढ़ गुना बाजार में कीमत मिलनी चाहिए, ये पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसलिए भाइयों बहनों, करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया का किसानों से फसल खरीदने का काम वसुंधरा जी ने किया। 10 लाख रुपए का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों को मुसीबत आई, अब तक 1500 करोड़ रुपया, करीब करीब 1500 करोड़ रुपया ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिल चुका है। भाइयों बहनों, ये सारी बातें पहले की सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनको तो कुर्सी, राजगद्दी, परिवार, उससे आगे कुछ नहीं दिखता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, आज संविधान दिवस है और मैं मेरे आदिवासी भाइयों के बीच में हूं। मैं इदेवपुर बांसवाड़ा के इस इलाके में आया हूं बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करना, क्योंकि हम सबको अधिकार देने का राम बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। ये हमारे संविधान की ताकत है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित मां का बेटा देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक खेत में खेती करने वाले किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर और भारत के संविधान की ताकत है, इसके कारण संभव हुआ है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी उनकी सोच में अब ये पूछ रहे हैं नेताजी उनके, मोदी बताएं उनकी जाति क्या है। बताओ भाई, क्या ये जाति का खेल खेलना चाहिए क्या? अरे जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए।
ये कांग्रेस वालों के दिमाग में ऐसी जातिवाद भर गया है, जातिवाद का जहर उनकी रगों में यानी जन्म से ही गुट्टी में पिला दिया जाता है। कांग्रेसी परिवार में बच्चे पैदा होते ही शायद गुट्टी इसी की पिलाते होंगे। जातिवाद का जहर जाता नहीं है। और कभी उनको महर्षि वाल्मीकि मिल जाए तो उनको भी पूछेंगे तुम्हारी जात कौन सी है। अगर उनको तुलसीदास जी मिल जाए उनको भी ये तो पूछ लेंगे, हां पर तेरी तुम्हारी जात कौन सी है। भाइयों बहनों, ये कबीर को भी तुम्हारी जाति पूछ लेंगे, ये संत रविदास को भी उसकी जाति पूछ लेंगे, अरे देश को महान ज्ञान की संपदा देने वाले महापुरुषों की भी जाति पूछने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में जाति भरी पड़ी है। भाइयों बहनों, ये जातिवाद के घोर जातिवादी लोगों को अब राजनीति से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इसी महान परंपरा को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, इनको तो एक परिवार के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आदिवासियों की यूनिवर्सिटी बने उस पर नाम किसका होना चाहिए? क्या वो नामदार के परिवार का ही होना चाहिए क्या? ना एक ही परिवार का होना चाहिए क्या? हमने 2016 में जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम हमारे किसी नेता के नाम पर नहीं किया, हमारे किसी परिवारजन के नाम पर नहीं किया, हमारे माता पिता के नाम पर नहीं किया। अगर हमने जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम किया तो गोविंद गुरु के नाम पर किया। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारी सोच है, उनके लिए उनके परिवार से आगे कोई सोच नहीं है। आप मुझे बताइए, ये हमारा बांसवाड़ा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उनकी ये कर्मभूमि, क्या आज भी हरिदेव जोशी को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? हरिदेव जोशी के काम को लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कारण है इस परिवार ने उनको भी भुला दिया, उनको भी लोगों की स्मृति से निकाल दिया? कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के सिवाय कोई नहीं चलता है। भाइयों, आप मुझे बताइए, मोहनलाल सुखाड़िया दिग्गज नेता के थे कि नहीं थे? अरे राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कांग्रेस में भी जो कभी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर सर उठाया तो इस परिवार ने सर को ही अलग कर दिया, सत्ता से अलग कर दिया, उनको नीचा कर दिया। भाइयों बहनों, यही उनके कारनामे चले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ऐसी सिकुड़ गई है, ऐसी सिकुड़ गई है, वो एक परिवार की पार्टी बन गई है, एक नामदार की पार्टी बन गई है। और कांग्रेस का तो उसूल है कि सबसे पहले नामदार, फिर नामदार का परिवार, उसके बाद परिवार के दरबारी, उसके बाद वोट बैंक के ठेकेदार, उसके बाद जातिवाद, उसके बाद देश उनको याद आता है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो दल से बड़ा देश है। भारत माता की जय, यही हमारा सपना है, यही हमारा इरादा है। फैमिली फर्स्ट, पीपल लास्ट, ये कांग्रेस का रवैया रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस को न विकास की परवाह है, न आपके उज्जवल भविष्य की परवाह है, न आपके बच्चों की जिंदगी की परवाह है, ऐसे लोगों को भाइयों बहनों, हमने किसी भी हालत में अब राजस्थान की धरती पर फिर से कभी आने नहीं देना चाहिए। आज मैं जब डूंगरपुर आया हूं तो मैं एक बात का गर्व के साथ कहना चाहूंगा, देश में जो स्वच्छता अभियान चला है, उस स्वच्छता अभियान में डूंगरपुर ने कमाल करके दिखाया है। भाइयों बहनों, जब हमारा बांसवाड़ा, हमारा डूंगरपुर आज देश में स्वच्छता की मिसाल बन गया, जो लोग आदिवासियों को नीचा देखते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग को नीचा देखते हैं,
उन लोगों को ऐसा चाटा मारा है, यहां के लोगों ने ऐसा चाटा मारा है कि तुम हमें अभूत समझते हो। अरे देश कैसा होना चाहिए इसका नमूना पैदा करने की ताकत डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों में होती है। और चंपारण में, बिहार में जब मैंने देश भर के स्वच्छाग्रहियों को इकट्ठा किया था और सबको सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे मिला था, तो मुझे बांसवाड़ा के मणिलाल राणा का सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। इसी धरती के मणिलाल राणा जिसने इतना बड़ा काम कर दिया था, उनको सम्मान करने का मुझे मौका मिला था। भाइयों बहनों, ये काम आपने किया है, जनता जनार्दन ने किया है, स्वच्छता में नाम रोशन किया है और मेरे सपनों को आपने पूरा किया है। और इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपका जितना साधुवाद करूं उतना कम है, इस काम को आपने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मतदान भारी हो, भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसके लिए भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प के साथ, और एक भी कांग्रेसी, पिछली बार कुछ घुस गए थे, इस बार एक भी कांग्रेसी यहां से जयपुर पहुंचना नहीं चाहिए, एक भी जीतना नहीं चाहिए साहब। आपका एक वोट क्या ताकत रखता है वो आपको मैंने समझाया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, कमल के निशान बटन पर उंगली दबाइए और आपका अपना भविष्य लिखिए। मेरे साथ दोनों हाथ बंद करके ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।